जिस तरीके से राहुल गांधी भी आज असम में इशारा कर गए जी कि भाई मुख्यमंत्री पद किसी की बपौती नहीं है जी, और हम माहौल को देख के जो भी होगा हम मतलब हाईकमान जो उसको मुख्यमंत्री बनाएगा, और कहने को तो दबी जवान से जब ये प्रकरण शैलजा वाला बना तो हुड्डा जी भी कह गए कि भाई मैं कोई वो नहीं होता, आला कमान जो तय करेगा विधायक जिसके साथ होंगे भाई वही सीएम बनेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जो SRB गुट था या शैलजा गुट था, आज जो असंध में राहुल गांधी की जबरदस्त रैली हुई उस पर सारे नेता एक साथ मंच पर बैठे दिखाई दिए, और वो जो है कितना सफल हुए जो पिछले हफ्ते जो शैलजा के बारे में जातीय टिप्पणी के बाद हंगामा मचा था और शैलजा घर पर बैठ गई थी और हफ्तों वो प्रचार के लिए नहीं निकल रही थी। तो इस मुद्दे पर आज हमारे साथ हरियाणा सरकार में वरिष्ठ अधिकारी रहे और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र सुरजेवाला जी हमारे साथ हैं। तो सुरजेवाला जी आपका स्वागत है। नमस्कार। तो नमस्कार, आपको मालूम है कि पिछले 10-12 दिन जी, एक हफ्ते से ज़्यादा जी जी, के शैलजा अब गई अब गई अब गई, और भाजपा नेताओं ने तो ये बिल्कुल भयंकर प्रचार कर दिया था कि शैलजा मतलब भाजपा ज्वाइन कर रही हैं, और जो गत दिवस जी रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उसमें वो ज्वाइन करेगी, ऐसा जो है प्रचार किया गया था जी। लेकिन शैलजा क्या बहुत समझदार निकली, उन्होंने इस मामले में जी भाजपा नेताओं के सपनों पर तुषाराघात कर दिया जी। और जो जी इस मामले को उछाल कर जी जो हरियाणा में वो बढ़त लेना चाहते थे, और यदि ऐसा हो जाता वो सफल हो जाते तो निश्चित रूप से भाजपा बढ़त ले जाती, और कई जानकारों का ये मानना है कि हो सकता है कि शैलजा के सहारे भाजपा की नैया पार भी हो जाती है जी। लेकिन क्या ये भाजपा नेतृत्व का, भाजपा नेताओं का या पूर्व मुख्यमंत्री जी या वर्तमान मुख्यमंत्री हरियाणा के जी, ये इन लोगों की साजिश थी, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, और शैलजा ने इतना कोई ऐसा कोई अपनी राय भी जाहिर नहीं की थी, मीडिया के सामने भी उसने कुछ नहीं कहा था। मान सम्मान की बात करना अपनी जगह सही है, अपने समाज के मान का ख्याल रखना जी ये हर एक का हक बनता है बिल्कुल। और लेकिन जिस तरीके से वो कांग्रेस संस्कृति में पली बढ़ी नेता हुई हैं, 5 बार सांसद रही हैं, उनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो जिस तरीके से शैलजा ने भाजपा को जवाब दिया, उनकी हवा निकाल दी, हवा निकाल दी, यानी ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जी भाजपा के लिए, भाजपा नेताओं के लिए हो सकता था। देखिए ऐसा है, शैलजा जैसे आपने कहा, कुमारी शैलजा एक सुलझी हुई नेता हैं, और इनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह बहुत ही सम्मानित नेता थे, पूरे जॉइंट पंजाब में वो उस वक्त उनका बोलबाला था, फिर हरियाणा की राजनीति में उनका रहा जी, सांसद रहे, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, और वो हमेशा कांग्रेस प्रधान भी रहे, हरियाणा कांग्रेस प्रधान भी रहे, तो उनका तकरीबन पूरा जीवन कांग्रेस में बीता, वो कभी इस कांग्रेस परिवार से अलग नहीं हुए, कभी नहीं हुए, वरना कभी लोग हैं कभी ना कभी छिटक जाते हैं, ऐसे ही जीवन कुमारी शैलजा का रहा है। वो कांग्रेस में पली पढ़ी बड़ी हुई जैसा भी है उसी, तो इनके बारे में इस तरह का प्रचार
वो दुष्प्रचार था। कुमारी शैलजा ने कभी हिंट नहीं दिया ऐसे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा, जब उनसे पूछा क्या इस्तीफा देंगे आप, उन्होंने कहा शैलजा और इस्तीफा, यानी उस बात से कितने आत्मविश्वास से उन्होंने कहा जी। और फिर लोगों ने यह भी कहा कि कुमारी शैलजा तो तिरंगे में ही लिपट कर जाएंगे, यानी आजीवन वो कांग्रेस में रहेंगे। जी जी, ऐसी लोगों की धारणा और सोच लोगों की सामने आती रही। ये जो प्रकरण हुआ, कुमारी शैलजा जैसे कि केंद्र में सोनिया जी के केंद्रीय नेतृत्व में मंत्री रही हैं और उनका एक बहुत ऊंचा मुकाम रहा है जी, नेचुरल है कि वो उस वक्त राज्यसभा की सदस्य थी, उनका जब समय राज्यसभा का वो काल पूरा हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि वो दोबारा रिपीट करेंगी और दोबारा से वो राज्यसभा के लिए दोबारा से चुनी जाएंगी, कांग्रेस उनको नॉमिनेट करेगी। उस वक्त भी एक दबाव की राजनीति चली और उनको वो टिकट उस वक्त ना मिलकर दीपेंद्र हुड्डा को वो टिकट मिला। कुछ लोगों ने कहा कि ये दबाव की राजनीति, जो वहाँ उस वक्त MLA थे उनका एक गुट बना करके, चलिए वो हुआ सो हुआ, लिहाजा वो राज्यसभा से वंचित हो गई। हाईकमान ने उनको फिर राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, कांग्रेस पार्टी की वो हरियाणा प्रदेश की प्रधान रही जी। अच्छा समय रहा और भूपेंद्र हुड्डा जी उस वक्त जो है ना CLP के लीडर रहे और विपक्ष के नेता रहे, उधर शैलजा जी थी उधर भूपेंद्र हुड्डा जी थे, दोनों मिलके अपना पार्टी के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा था, हो रहा था। उधर से शैलजा जी अपने प्रभाव से लोगों को शामिल कर रही थी, पार्टी में मजबूती ला रही थी, उधर से भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे थे, दोनों बहुत अच्छा वो चल रहा था। यकायक फिर वो क्या हुआ कि जैसे पहले अशोक तंवर थे, ठीक है अशोक तंवर ने कुछ गलतियां की, वो मिलके नहीं चले, ऐसा होता है कि कई बार मतलब हुड्डा जी की तरफ से कोई गलती नहीं हुई अशोक तंवर की, मैं बता रहा हूँ ना कि कई बार क्या होता है कि दो पद है, एक कांग्रेस अध्यक्ष का है दूसरा CLP लीडर जी, दोनों में अगर मिलके चलें और तरीके से चलें तो पार्टी के लिए लाभकारी, अगर दोनों में मनमुटाव हो जाए किसी तरह से, किसी की भी गलती से, किसी भी कारण से, तो वो पार्टी के लिए निश्चित तौर पर नुकसानदायक होता है। ठीक, उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, एक बार पहले नहीं थी, शुरू में बहुत अच्छा भूपेंद्र हुड्डा जी का और अशोक तंवर जी के साथ बड़ा अच्छा काम चला और पार्टी के लिए, क्या कारण हुआ कि दोनों में मनमुटाव हुआ और वो इतना खिंचाव हुआ कि उस वक्त अशोक तंवर जी को अपने पद से हटना पड़ा। क्या परिस्थितियां रही सभी को जी, वो लंबा विषय हो जाएगा। हाँ, हमारा वो मुद्दा भी नहीं है। अरे हाँ, उसके बाद कुमारी शैलजा जी ने पद संभाला और बहुत अच्छा, मैंने कहा जैसे बहुत बेहतर तरीके से बेहतरीन काम किया और अध्यक्ष पद पर रहते हुए। हाँ, ये सब स्वीकार करते हैं, मतलब सभी कांग्रेस के जो थे लोग वो जुड़ गए थे, कुछ भूपेंद्र हुड्डा जी के कारण, कुछ शैलजा जी के कारण, यानी दोनों का योगदान बराबर का था और बहुत अच्छा चल रहा था। उसमें फिर क्या खटाई आई, क्या खटास पैदा हुई, क्या वजह हुई, वही जो हुआ अशोक तंवर जी का, वही यहाँ फिर वही घटना दोबारा से घट गई। मैं इस बीच में और टोकूंगा एक और घटना, चूँकि जो भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री के सचिव, कुछ ऐसा ही नाम है उनका, तो वो ये प्रचार कर रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार के मामले, वो बाद की चीज आएगी, जो मिर्चीपुर में कांड हुआ था, उन्होंने कई कांड गिना रखे हैं कि हुड्डा जी के शासनकाल में दलितों पर अत्याचार की कई बड़ी घटनाएं हुई और मिर्चीपुर तो एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना कि मिर्चीपुर के दलितों को सहज वाल्मीकि समाज को तो वो छोड़कर जाना पड़ा गांव भी और उनको कैंपों में रहना पड़ा, इतना जाटों का आतंक था। ऐसा है, उसमें ना तो हुड्डा जी का कोई हाथ था ना कोई शैलजा जी की तरफ से कोई हवा दी गई थी, वो एक घटना घटी थी जी। मिर्चपुर गांव नारनो नल के साथ लगता गांव है, नारनो नलके में आता है, वहाँ के गांव का कोई एक दामा
वो मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं, गांव का जिस बस्ती से वो निकल रहे हैं, इत्तफाक से वो दलित बस्ती थी, कोई एक कुत्ता, पालतू कुत्ता भी होता है गांव में, गली का कुत्ता, वो उनके पीछे पड़ गया और उनकी टांग को काटने के प्रयास किया मोटरसाइकिल पे, वो रुक गए और उन्होंने रुकने के बाद अपने बचाव में कोई कंकड़ पत्थर था उठा गए, कुत्ते को मार दिया। वहाँ जो बस्ती का मालिक था या जिसके घर के आगे वो कुत्ता बैठता था, उन्होंने इतराज़ किया और दोनों की उसी छोटी सी बात पर मनमुटाव हुआ। बात तो छोटी ही होती है। हाँ, और वो गाली गलोच हुई और उसके बाद उनकी, वो कहते हैं वो जो दामाद थे गांव के, उसकी पिटाई कर दी। उस पिटाई से नाराज़ होकर के गांव के लोगों ने आपस में फिर बात की और कि भाई ये बहुत बुरा हुआ, गांव के दामाद के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ये जो हुआ ये घटना गलत है। वही बात बढ़ती बढ़ती इतनी बड़ी कि उसने फिर जाती है। हाँ चलिए, वो लंबा प्रकरण है, हम सिर्फ संदर्भ में लेना चाहते थे, लेकिन वो चूंकि हुआ हुड्डा जी के शासनकाल में, हुआ तो अब उस मामले में वो जो बेहतर तरीके से निपटा नहीं पाए। ऐसा है, कोई भी जो नेता होता है वो ये नहीं चाहता कि मेरे शासनकाल में कोई धब्बा मुझ पर लगे, चाहे हुड्डा हो चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो। वो अलग बात है कि परिस्थितियों के कई अच्छे वो हो वक्त या अच्छी सूझबूझ से उसको सुलझा लेते हैं, कई उसे नहीं सुलझ पाता, हो सकता है इनका नहीं हो पाया और वो बात घटना घटी और उसका काफ़ी बड़ा रूप उसमें लिया। वो तो सब जानते हैं उसको। इसी तरह जो है ना, एक वो बुगाना में हुआ और ऐसे ही गोहाना में भी हुआ, ये ऐसी घटनाएँ अक्सर नहीं होनी चाहिए, हो जाती हैं, उसमें किसी का वो मैं नहीं कहूँगा कि दोष था। हाँ, उसको टैकल करने में हो सकता किसी से कोई अपेक्षा ज़्यादा हो, उसके मुताबिक वो नहीं कर पाए हो या उसमें संतुष्ट नहीं कर पाए उनको जो कोई पीड़ित थे, वो अलग विषय है, वो तो अपोजिशन उठाएगी। हम वो मुद्दे खत्म हो चुके हैं, वो गड़े मुद्दे हैं जी, गड़े मुद्दे हैं वो, गड़े मुद्दों लेकिन लेकिन चुनाव में भाजपा 84 के दंगे भी उठाए जाते हैं। भाजपा को तो मौका मिल गया, चलो ये नहीं, वो मौके तलाश किए जाते हैं, मिला किए जाते हैं, किए जाते हैं। ऐसा समाज में अब वो मिर्चपुर कांड का, गोहाना कांड का, कोई समाज में उन लोगों के बीच में वहाँ पे कोई वो नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल आदमी जो है ना अपनी रोटियां सेकते हैं और उन मुद्दों को पैदा करते हैं। अब 84 के दंगे फिर पैदा किए जाते हैं। मैंने वो बात के साथ साथ हम जो बात कर रहे थे शैलजा जी की इन्वॉल्वमेंट की, ना तो मैं शैलजा जी का कोई मिर्चपुर से लेना देना था, ना उन्होंने उसमें किसी का बढ़ चढ़ के किसी का पक्ष लिया हो या उन्होंने उनकी कोई जिम्मेवारी हो। वो तो ये चाहती थी कि भी सारा समाज मिलजुल के रहे और ये उनकी इच्छा थी। चलिए, अब बात आती है राजनीतिक। राजनीतिक तौर पर जब मैंने कहा ना कि जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अच्छा काम चल रहा था, हो रहा था, या फिर एक क्या घटना घटी कि उनको फिर उस पद से हटने की नौबत आई। ये ठीक है कि उनकी जगह फिर एक दलित हमारे नेता हैं फरीदाबाद से ही, चौहे उदयभान जी, उनको वो पद दिया गया, लेकिन मैं बीच में जरूर कहूँगा कि वो दुर्भाग्य था स्टेट का। एक बड़ी अच्छे नेता को हटा करके, और मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि उदयभान जी इफेक्टिव नहीं है या अच्छे नेता नहीं है, नहीं, वरिष्ठ वरिष्ठ है, इनके पिताजी भी हमें समझदार हैं, हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं सरकार, बिल्कुल बिल्कुल पार्टी का। और लेकिन उनका जो अनुभव था शैलजा जी का, वो भी कम नहीं, उसको आंका जा सकता, बल्कि उनका और ज़्यादा वो था, तो वो उनका पद से हटना और वो जाना वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। ये छोटी छोटी घटनाएं जब जुड़ती गई, इकट्ठी होती रही, अब आ गया कि भाई लोकसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव संक्षिप्त में करेंगे बात। हाँ, लोकसभा चुनाव में फिर कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद बनी और शुरू में ये लग रहा था कि हरियाणा की सबसे एकमात्र सीट जो है वो सेफ मानी जा, रोहतक से भी ज़्यादा सेफ सिरसा मानी जाती जी जी जी, और ये था कि भी बहुत अच्छे और वो अच्छे मार्जिन से वो कामयाब हुई। फिर आ गया था हरियाणा विधानसभा चुनाव, तब उसमें फिर ये हुआ कि भाई मुख्यमंत्री की दौड़ में
देखिए प्रजातंत्र है और पार्टी के अंदर सभी की ख्वाहिश होती है बिल्कुल बिल्कुल कि वो मुख्यमंत्री के पद के लिए अपना आपको जाहिर करें। उसमें कुमारी शैलजा भी थी, कैप्टन अजय भी थे, रणदीप सुरजेवाला भी है, भूपेंद्र हुड्डा भी है, और भी हैं जिनके नाम नहीं है। चलिए जो अब उसके बाद जैसा कि ये चल रहा था दौर, फिर आगे टिकट का वितरण। टिकट वितरण में अब ये मैं ये लोग कहते हैं कि ज़्यादा भूपेंद्र हुड्डा को टिकटें मिल गई। मैं थोड़ा सा इस बात से हटकर एक बात कहना चाहूँगा, टिकट मिली है जो विनिंग प्रोस्पेक्टस था, जो कैंडिडेट वजनदार थे, जिनका सर्वे में नाम आया, जिन लोगों को टिकट की दावेदारी में आंका गया कि वो उनका स्थान कुछ ऊपर है, उनको टिकट मिला है निसंदेह। ज़्यादातर नहीं, आप ज्यादातर कह सकते हो, लेकिन एक्यूरेट ऐसी बात है ऐसा नहीं है। गौतम साहब देखिए, जो जो कुछ टिकटें गलत मिट, हाँ नहीं वो मैं कह रहा हूँ, ज्यादातर शैलजा गुट के भी कई, सुनिए हाँ, कई ऐसे उम्मीदवार थे जो यदि उनको टिकट मिलता तो वो भी जीत आ रहा हूँ ना, आपने जल्दी कर रहे हैं। मैंने कहा ज्यादातर टिकटें इस तरह से मिली हैं, कुछ टिकटें गलत भी गई है जी। क्या वजह रही है वो तो हाईकमान जाने, या हमारी जो स्टेट की इकाई है कांग्रेस पार्टी उसका नेतृत्व जाने। हाँ इतना है, कुछ टिकट ऐसी भी थी जो कि सिर्फ इस धड़ेबंदी की वजह से उनकी टिकट काट दी गई जी। मेरा क्या कारण रहा, यही कहना चाह जो आप कहना चाह रहे थे उसमें मैं आऊँगा उस बात पे। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ज़्यादातर भूपेंद्र हुड्डा को है, मैं ये कहूँ वो किसी की नहीं है, वो पार्टी के लोग हैं। अगर कल पार्टी किसी दूसरी तरफ नेतृत्व का इशारा कर दे वो सब छोड़ के उधर चले जाएंगे। अच्छा ये हाँ। ऐसा आपको मानना है हाँ। और अगर और हुड्डा ऐसा होता रहा है, और हुड्डा जी ऐसा होने देंगे स्वीकार ऐसा करेंगे? होता रहा है हुड्डा जी क्या कर लेंगे, चौधरी भजनलाल के साथ नहीं हुआ? हुआ था तो चलिए मैं इस पॉइंट अब आ जाती है बात, वो कहाँ से ये बात ने स्पार्क पैदा किया, कहाँ से वो चिंगारी फूटी। ठीक है सारा कुछ हुआ, मैंने कहा कि भाई ज़्यादातर टिकटें माहौल की वजह से, उस वजह से मिली, इत्तफाक से वो माहौल को देख करके वो लोग आज हुड्डा साहब की तरफ हैं जी। कल को शैलजा जी का हो तो वो लोग यहाँ भी नजर आए। चलिए वो लोग वही, अब वो बात को तो खत्म कीजिए, अब आ जाती है चिंगारी कहाँ से पैदा हुई। शैलजा जी ने जो उनके सहयोगी रहे हैं डॉक्टर अजय नारनौल सीट से, शैलजा जी का गाँव प्रभु वाला है उकलाना में जी, वो उनका गृह क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल, तो शैलजा जी की ये इच्छा भी थी और होती है और होनी चाहिए, हर किसी की होती है। अब अगर बात करें आप वायनाड की, आप बात करें अमेठी की, तो भाई गांधी परिवार का है ना, तो उनके बनता है ना। अब रोहतक की बात करें तो हुड्डा परिवार का ठीक है। अब बात करें अगर उकलाना की, तो क्या शैलजा जी का क्लेम नहीं बनता क्या? बिल्कुल बनता है। अब ऐसे ही नारनौंद, नारनौंद वो पिछले महीने गई और उन्होंने डॉक्टर अजय के बारे में ये कहा कि बहुत सुलझे हुए हमारे पुराने वो हैं, इनके पिताजी ने भी बड़ा इस क्षेत्र में काम किया है और आप लोगों से गलती चूक हुई, आगे मत करना, ये हमारे उम्मीदवार होंगे। अब लोग कहते हैं उन्होंने टिकट की घोषणा कर दी, उन्होंने कहा होंगे, बड़ा अंतर है। लेकिन बात को समझने वाले यही कहते थे कि भाई वो पूरी ताकत लगाएंगे कि उनको टिकट मिले, और उन्होंने लगाई। आखिर में ये भी आया कि भाई दो टिकट के लिए उन्होंने कहा, उकलाना और नारनौंद जी। मुझे जो जानकारी मिली विश्वस्त सूत्रों से, 11 तारीख की रात को ये कहा गया शैलजा जी को कि दो में से आप एक ले लीजिएगा। मैं तो उसको भी गलत कहता हूँ, जबकि दोनों उनको जानी चाहिए थी। वो कैसे ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलवा रही थी कि जो टिकट का दावेदार ना हो, उसके लायक ना या हो, विनिंग कंडीशन या विनिंग प्रोस्पेक्टस ना हो। उनका विनिंग प्रोस्पेक्टस था और लायक थे, वो डिजर्व करते थे। या तो अड़ियल पना होता शैलजा जी का कि भी वो गलत आदमी को टिकट दिला रही है, तो बेशक टिकट ना मिलता। बस हर लिहाज से वो जो थे वो खरे उतर रहे थे, फिर भी उनको ये कहा गया है कि ले लीजिए। उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए पार्टी हित में समझदारी से
ये कह दिया कि चलिए नारनौंद की टिकट दे दिए। सबको ये था कि सुबह 10 बजे टिकट का फैसला हो गया है, नारनौंद की टिकट लगभग डॉक्टर अजय को जा रही है और वो चुनाव लड़ेंगे जी। यकायक अचानक क्या हुआ कि 10:15 बजे एक खबर मिली कि जसवीर पेटवार, जिसको जस्सी कहते हैं, उनको टिकट का फाइनल हो गया जी। दो टिकट रुके और वो हुड्डा जी के करीबी है, वो दीपेंद्र के वो थे। दीपेंद्र चल करीब तो वो पहले लोकदल से था। ठीक ठीक, करीब का किसी का नहीं है। कल को शैलजा जी हो तो वो शैलजा जी के दरबार में मिलेंगे। यस, करीब करीब कोई किसी का नहीं है। एनी हाउ, चलो उनको टिकट मिल गया, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। इसकी भर्त्सना कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने की कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ। उससे नेचुरल है कि निराशा हर आदमी को होती है। शैलजा जी का मन को भी निराशा हुई, पर उन्होंने ठीक है जो हुआ पार्टी का। अब उसके बाद बिजली गिरी, जसवीर पेटवाड़ का नामांकन पत्र जब हो रहा था, उनके जो समर्थक थे उनमें से पूठी सावण के श्रीमान जी बलबीर सिंह नाम बताया गया उनका, उन्होंने जो एक भद्दी टिप्पणी की, जातीय जातीय और निजी उनके लिए, वो बहुत ही गिरे हुए शब्द, शर्मनाक, मैं कहूँ गिरे हुए शब्द और शर्मनाक और उसे गंदा बोल, मैं नहीं समझता। हर किसी ने उस बात की बुराई की है और भर्त्सना की। उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस के एक वर्ग के जो लोग थे, मैं तो कहूँ मैक्सिमम जो समझदार तबका था हमारे समाज का, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग थे, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, जी जी, हर किसी ने, जेजेपी ने भी, सबने भर्त्सना की और इनेलो के लोगों ने भी, और सब ने उस बात की भर्ती और करनी भी चाहिए थी। बिल्कुल, उसका जो इम्पैक्ट हुआ लोगों में, एक रोष भी हुआ, नाराजगी भी हुई, थोड़ा संक्षिप्त में। हाँ, अब शैलजा जी के मन में उस बात की भी देखिए दुख तो होता ही है। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा, वो अपने घर पर शांत होकर बैठे, शांत हो गए और उन्होंने ना कोई टिप्पणी की, ना उन्होंने कोई जवाब दिया, ना उन्होंने कोई उसके ऊपर लीगल एक्शन की बात कही, जबकि कई लोगों ने कहा। लेकिन उन्होंने पार्टी हित में और अपने जो है बड़प्पन को दिखाते हुए वो उन्होंने कुछ नहीं, वो शांत रही। अब इस बात को बीजेपी वालों ने उछाल दिया। खट्टर साहब तो इस बारे में और बीजेपी तो इस बारे में माहिर है कि वो तो अपना तो कुछ नहीं। देखिए, इनके पास वर्कर हैं, नेता नहीं है। नेता ये भारतीय वो इंपोर्ट करते हैं, तो इनको न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत की स्थिति है, पूरे भारत का। अब इनको तो एक बहुत बड़ा मौका, और ये लगा कि हमारे पाले में अगर ये गेंद आ जाए हम तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा, वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ये बॉल हमारे पास आ गई तो हम तो इससे विकेट आउट करेंगे और उनको क्लीन बोल्ड कर देंगे। बहरहाल वो होना, अब वो इनकी जो इच्छा थी, इन्होंने जो प्रयास थे, लेकिन शैलजा जी एक बहुत सुलझी हुई नेता हैं। उन्होंने इनकी हर बात को ऐसी हवा निकाली कि वो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। आज राहुल गांधी का असंध में और बरवाला में कार्यक्रम था जी। हाँ, एक और बात इसमें जोड़ रहा हूँ, जहाँ शैलजा जी का प्रोग्राम नहीं हुआ, एक बीच में खड़गे साहब का अम्बाला में प्रोग्राम आया जी। और जब तक शैलजा जी का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, अब उनका पब्लिक में कोई प्रचार में नहीं उतर रही थी, तब तक केंद्रीय नेतृत्व से कोई भी नेता हरियाणा के अंदर नहीं आया। उनकी सोच ये थी कि पहले शैलजा जी को साथ लिया जाए और फिर प्रचार शुरू किया जाए, और वो हुआ असंध से, जहाँ पे शमशेर गोगी चुनाव लड़ रहे हैं। लोग तो ये कहते हैं कि ये शैलजा जी की जीत है, कि उनका जो है पसंद का जो उम्मीदवार है, वहाँ से शुरुआत हुई। और राहुल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, सभी कार्यकर्ताओं की, सभी हमारे नेताओं का मिलजुल कर उनके प्रयास से हम सरकार बनाएंगे, सबकी सरकार, किसी एक का नाम भी नहीं लिया। नहीं, यहाँ तक कहा किसी एक की सरकार नहीं होगी,
किसी एक का इसका योग, मतलब राहुल गांधी ने जो मैसेज देना था वो सही दिया उन्होंने, और उसमें सब ने एकजुट होकर के किया, और शैलजा जी बहुत अच्छे प्रसन्न उसमें मुद्रा में थी, और सबसे पहले उन्होंने उनका स्वागत किया है। और अब ये प्रकरण तो लगभग समाप्त है। मतलब आप ये मानते हैं कि ये शैलजा वाला मामला या वो जातीय टिप्पणी वाला मामला या शैलजा जी की नाराजगी का मामला सुलटा लिया गया है? देखिए ऐसा है, दाग धुल तो जाते हैं लेकिन दाग निशान जरूर छोड़ जाते हैं थोड़ा सा जी, वो अलग बात है, बट फिर भी आज वो दाग धुल चुके हैं, आज वो जो मन मुटाव थे वो दूर हैं, और पार्टी के अंदर सब मिलकर काम करेंगे। और सबको ये है कि शैलजा जी का तो बड़ा अच्छा बयान था अभी गुड़गांव में, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, ये आज से पहले दो दिन पहले उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस की सरकार बनानी है, हमने सब ने मिलजुल करके काम करना है, और हवा हमारे पक्ष में है, और लोगों की ऐसी अपेक्षा है हमसे, हमें उस अपेक्षा पे खरा उतरना है, और इससे ज्यादा क्या होगा। चलिए मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले जी एक दो छोटे और सवाल करता हूँ जी, कि जो हुड्डा जी हैं जी वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और जो किसी भी प्रदेश में 10 साल मुख्यमंत्री रह जाए सारे सूत्र उसके हाथों में आ जाते हैं जी, और फिर उनके ग्रिप से मतलब राजनीति को निकालना किसी और नेता की तरह बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आज तक का इतिहास हरियाणा का लीजिए, जब तक कोई नेता या तो पार्टी प्रधान, और मैं तो कहूँ पहले तो पार्टी प्रधान मुख्यमंत्री से बड़ा होता था, कभी पार्टी प्रधान का जब किसी जलसे में या रैली में या एड्रेस करते थे तो पार्टी प्रधान अध्यक्ष होते थे उस सभा के, और वो बाद में बोलते थे और मुख्यमंत्री उनको एड्रेस करते जी। अब उलट सा हो रहा है, ठीक है, हाँ मुख्यमंत्री रहने के बाद आदमी का कद बढ़ता है, उनकी जो आप कह रहे हो कि उनकी ग्रिप में आ जाता है। और फिर हुड्डा साहब के बारे में एक बड़ा है, इनको राजनीति की घुटी जन्म से, बिल्कुल इसमें तो दो रानी उनकी, चौधरी रणबीर सिंह के पुत्र होने के नाते चौधरी रणबीर सिंह का, मतलब तीन तीन पीढ़ियां कांग्रेस में है। हाँ नहीं, इसके अलावा कांग्रेस में बहुत लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि चौधरी रणबीर सिंह का नेहरू जी के साथ बहुत गहरा संबंध, बिल्कुल दोनों में बहुत ज्यादा क्षमती थी। इंदिरा जी नेहरू चौधरी रणबीर सिंह को चाचा जी कहती जी, बहुत मान सम्मान देती थी। मैंने निजी तौर पर देखा है, उनके जन्मदिन पे तालकटोरा में सोनिया जी गए, जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो सोनिया जी ने जो बातें बताई, और मैंने इनके घर में एक वो पत्र भी पढ़ा है, इंदिरा जी 1.5 दिन के लिए रोहतक आई थी जी, चौधरी रणबीर सिंह उस वक्त सांसद थे, उन्होंने पहली बार इंदिरा जी को हरियाणा के गाँव में भ्रमण करवाया था, 1.5 दिन वो रुके थे रोहतक इनके घर पर। फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को, उसमें साफ कहा उन्होंने कि पिताजी मुझे जो ज्ञान मिला ना आपसे मिला, आपने जो पत्र वो लिखे मुझे, लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आपकी बुक, उससे मुझे हिंदुस्तान का ज्ञान पता चला, और उसके बाद प्रैक्टिकल मुझे नॉलेज देहात गांव कैसे हैं वो मुझे चाचा जी ने इन्होंने मुझे दिखाया, और गाँव के अंदर मैंने विजिट किया और मैंने अपनी आँखों से वो चीज़ों का नजदीक से अवलोकन किया, देखा है। मैं यही तो, इंदिरा जी ने, बिल्कुल सही बात है, ये सब जानते हैं, वो बहुत नजदीक थे और उस नाते हुड्डा साहब का उस परिवार से संबंध है। मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद तो होता ही है। देखिए जितने मतलब कई आज ये बीजेपी के अंदर देख लीजिएगा, खट्टर साहब का प्रभाव बिल्कुल बरकरार है, मैं वही कह रहा हूँ। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक पार्टी में जी कितने ही लोग होते हैं, सैकड़ों होते हैं, बड़े दर्जनों नेता होते हैं और वो भी अपना जीवन खपा देते हैं जी पार्टी में जी। और देखिए कोई ये पुण्य का काम धर्म का काम तो है नहीं, सब राजनीति के लिए आते हैं, पद के लिए आते हैं, कुर्सी के लिए आते हैं, बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसा नियम पार्टी तय करे या संविधान में हो कि एक ही परिवार से या एक ही व्यक्ति को 2 बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि जो लाइन में और भी काबिल नेता लगे हैं जी उनको भी अवसर मिल सके। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये
अमेरिका में ऐसा सिस्टम है जी, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो दो बार से ज़्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल, और उनका उनका जो कार्यकाल होता है वो भी चार साल का है, मतलब 8 साल से वो ज़्यादा नहीं रह सकते। हाँ वो नहीं रहते, लगभग हमारे भी राष्ट्रपति के लिए तो ऐसा है रखा गया है। हाँ क्योंकि फिर कुंठा होती है, जो दूसरे नेता लाइन में लगे होते हैं फिर उनकी मजबूरी हो जाती है, चाहे अनचाहे अपनी पार्टी को जिसमें उन्हें दशकों बिताए होते हैं उसको छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाना पड़ता है। पंजाब के समय सरदार कैरो सिंह, सरदार प्रताप सिंह कैरो जब मुख्यमंत्री थे तो सरदार दरबारा सिंह का एक घड़ा था, वो भी बराबर उनसे चलता रहा, लेकिन सरदार दरबारा सिंह को मौका नहीं मिला। बहुत बाद में जब पंजाब हरियाणा अलग हुआ तब सरदार दरबारा सिंह को तब जाकर के मौका मिला। ऐसे ये मोरारजी देसाई थे, बड़े नेता थे, नेहरू जी के समकालीन थे और उनको नहीं हुआ, और बहुत बाद में जब वो 81-82 साल की उम्र में जाके उनको वो पद हासिल हुआ कभी। तो देखिए आप मुद्दी जी भी हैं, बड़े अधिकारी भी रहे हैं, मैं संक्षिप्त में इसका मतलब उत्तर चाहता हूं, आपको क्या ऐसा होना चाहिए या अच्छा नहीं, जिससे औरों को भी मौका मिल सके। देखिए ऐसा है कि 10 साल आदमी जो काम करता है उसका जो काम करने का उसके अंदर एक जज्बा जो होता है ना वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है, ये भी है। 10 साल के बाद वो संभव निष्क्रिय भी हो जाता है थोड़ा बहुत जी, तो जो उसने करना होता है ना वो 10 साल के अंदर जो होता है वो 10 साल कर गुजरता बहुत होता है, कर गुजरता है बहुत होता है। सुनिए ये ठीक है आपकी बात, पर दूसरा कोई आए उसका भी है काम करने का सलीका तरीका या जो उसके अंदर एक जज्बा है उसको भी मौका मिले, अच्छा है ये। देखो ये आपका सही है, कहीं तो ऐसा है कि चिपक के बैठ जाए, 6 बार के सांसद, 8 बार के सांसद, और वो फिर उसके बाद अब है ऐसे कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट दिया है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल, जो आज उनका खामियाजा पार्टी भुगत रही है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जी कि बहुत सारे नेता जी हुड्डा जी के जकड़न के पार्टी पे कब्जे के कारण जो बड़े नेता थे या बड़े राजनीतिक परिवारों से थे, चाहे चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री के बेटे जी कुलदीप बिश्नोई हों जी, चाहे चौधरी बंसीलाल पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्रवधु किरण हों, उनकी पोती श्रुति चौधरी हों, चाहे वीरेंद्र सिंह जो हमारे सर छोटू राम के नाती हों, नेकी राम के पुत्र, तो और भी इस कड़ी में मैं कई नाम गिना सकता हूँ, रणजीत सिंह थे, आदित्य देवीलाल जी, चौधरी रणजीत सिंह भी और भी कई, तो किसी को भी हुड्डा जी ने अपने प्रभाव से पार्टी में आगे नहीं बढ़ने दिया, और यही कारण है कि जो भी बहुत बड़ा एसेट हो सकते थे रहे भी, तो चौधरी भजनलाल का परिवार यानी करता धरता एक तरीके से। गौतम साहब ये चीज तो राजनीति में रही है रहेगी, नेहरू जी के समय एक सिंडिकेट उभर कर सामने आई थी जी, जिसमें अतुल्य घोष, पीसी सेन और आपके मोरारजी देसाई आदि ये बड़े नेता थे। नहीं नहीं बिल्कुल, सुनिए अब पार्टी के अंदर क्या होता है कि एक वो कामराज प्लान लाई गई और उनको रिटायर किया गया जी, ऐसे बीजेपी में भी है कि वो जो हमारे प्रमुख थे उनको वो एक मार्गदर्शन मंडल है उसमें धकेल दिया जाता है जी, आगे कोई नहीं आने देता। चाहे बंसीलाल थे, ओम प्रभा जैन उभर के आ रही थी, ब्रिगेडियर रण सिंह थे और प्रोफेसर शेर सिंह उस वक्त के बड़े नेता थे, चाहे देवीलाल को भी पार्टी छोड़नी पड़ी, राव वीरेंद्र को भी पार्टी छोड़नी पड़ी, चाहे बंसीलाल के समय में भजनलाल जी को भी पार्टी छोड़नी पड़ी, बिल्कुल ये तो चलता रहेगा। ये चलता आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर विराम लगना चाहिए। इस पर विराम तो यही लोग लगाएं, ये लगाते हैं। हाँ, अब देखिए वो तो चलिए एक पार्टी की बात कर रहे थे, अब आ जाइए आज की मौजूदा जो सत्तारूढ़ दल है हरियाणा में भाजपा, खट्टर साहब ने सभी को कांटा निकाल दिया, कैप्टन अभिमन्यु नदारन, ओम प्रकाश धनखड़ बड़े नेता बन रहे थे वो भी किनारे बिठा दिए, वो भी ठिकाने लगा दिए। सबसे बड़ा कांटा निकाला है पंडित जी का, रामविलास शर्मा का, बड़े कद्दावर, कद के भी ऊंचे, पार्टी के जन्मदाता, आज वो ना तो आंसू पोछे जा रहे हैं ना वो, उनका ये है, न जाने और कितने हैं।
राव इंद्रजीत सिंह पार्टी में होते हुए भी पिछले 10 साल से शिक्षक रहे हैं। अब ठीक है, बड़ी मुश्किल से उनकी पुत्री को टिकट मिल गया। अब ऐसे बहुत से नाम हैं, चलिए, जो नहीं उभरने दे। समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं जी, कि जिस तरीके से राहुल गांधी भी आज असंद में इशारा कर गए जी कि भाई मुख्यमंत्री पद किसी की बपौती नहीं है जी, और हम माहौल को देख के जो भी होगा हम मतलब हाईकमान जो उसको मुख्यमंत्री बनाएगा, और कहने को तो दबी जवान से जब ये प्रकरण शैलजा वाला बना तो हुड्डा जी भी कह गए कि भाई मैं कोई वो नहीं होता, आला कमान जो तय करेगा विधायक जिसके साथ होंगे भाई वही सीएम बनेगा। लेकिन यदि ऐसी स्थिति आती है तो क्या हुड्डा जी और उनका ग्रुप शैलजा को सीएम बनने देगा या उनको टिकने देगा यदि हाईकमान ने भी उन पर हाथ रख दिया, तक कोई विद्रोह तो नहीं होगा? देखिए ऐसा है कि गरीब की जोरू सब की बाबी, आज हाईकमान पावर में नहीं है जी, कांग्रेस की हाईकमान जो है कांग्रेस वो पावर में नहीं है तो इतनी मजबूत नहीं है। 2005 में बहुमत भजन लाल जी के साथ 36 एमएलए उनके पास थे 67 में, लेकिन हाईकमान का जो सोच उनका जो फैसला था उसके मुताबिक उनको ना बना करके हुड्डा जी को सीएम बना दिया। थोड़े समय तक उछल कूद की, भजन लाल जी ने पार्टी भी अलग बनाई, चुनाव भी अलग से लड़ा, फिर वापस पार्टी में आ गए। वो स्थिति पे निर्भर करता है। आज ठीक, आज वो स्थिति नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, बट पंजाब में हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके चन्नी को बना दिया, तो चले वो तो अलग बात है कि वो चुनाव में हार गए और उस वक्त बदल गया, चलिए कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैं अंत में एक सवाल और समाप्त करने से पहले भविष्य के गर्भ में जी जी, कि आम तौर पर जो मैं कुछ चर्चा भी की, मैंने एक वीडियो भी बनाया था और दलित चिंतकों से भी बातचीत की, उनमें इस बात को लेकर गुस्सा है कि अब भी हम पहले भी कांग्रेस के साथ थे जी, आज फिर कांग्रेस के साथ हैं, बीच में बीएसपी के साथ कुछ समय के लिए रहे लेकिन वो दौर जैसा लगता है शायद गुजर गया है जी, जी। तो हरियाणा में आबादी के लिहाज से दलित और जाट लगभग 20-22% दोनों, 20-22% दलित हैं, 20-22% जाट समुदाय के लोग हैं, तो क्या उनका जो ये कहना है दलितों का कि भाई सब वर्गों से सीएम हरियाणा में बन लिए, दलित भी बन लिए, पिछड़े भी बन लिए, जाट कई बार बन लिए, ओबीसी भी बन लिए, अब भी ओबीसी है, ब्राह्मण भी बन लिए, सभी बन लिए, तो ये जानबूझकर ऐसा है कि किसी दलित को जो हरियाणा का सीएम नहीं बनने दिया जाता, या जब शैलजा के माहौल बन रहा है काफ़ी अरसे से उसको उसकी उस कुर्सी तक आने से पहले कुर्सी खींच ली जाती है तो क्या दलितों का नंबर नहीं होना चाहिए? इस चीज़ का खींचने वाला या इसमें रुकावट डालने वाला कौन है? ये तो वक्त की बात है। आज जो है नायब सैनी है वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है, भजन लाल जी बने बड़े कामयाब मुख्यमंत्री, ओबीसी में तो आते हैं ना, किसने टांग खींची, किसने उनको बनाया, ये तो वक्त के हिसाब से। ओबीसी में तो ओबीसी में तो आते हैं ना कौन, सैनी जी नहीं, भजन लाल जी का जिक्र कर रहा हूँ मैं। ठीक ठीक, और बनारसी दास गुप्ता भी रहे, ये तो हालात के मुताबिक और कब परिस्थितियों के कारण, ना कि इसमें किसी की टांग खींच। अब चन्नी बने पंजाब में, चलिए वो हो गया। अब ये इस तरह का जातीय समीकरण पॉलिटिकल पार्टी करती है भले ही, लेकिन ये कोई ऐसी नहीं कि किसी एक ने टांग खींच ली और उस वजह से नहीं। आज की वार्तालाप को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुद्दा था कि भाई जो कुमारी शैलजा का की जातीय टिप्पणी के बाद जो अशांति फैली थी, भाजपा को मौका मिल रहा दिख रहा था और शैलजा जी भी हफ्ता 10 दिन जो है नाराज होकर बैठ गई थी, चुनाव प्रचार से दूर थी, तो अब जिस तरीके से वो एक साथ सारे फिर असंद में राहुल जी के साथ एक मंच पर नजर आए हैं,
तो मुद्दा यही था कि क्या वो मामला सुलट गया है। बाकी जो और मुद्दे थे, जो सवाल थे हमने किए, तो देवेंद्र सुरजेवाला जी ने उनका सटीक जवाब दिया। आप उनके सवालों से कितने सहमत हैं, उन्होंने जो जवाब दिया और हमने जो सवाल उठाए, तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सुरजेवाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। नमस्कार।